हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इस प्रकार का हमें HTML में एनिमेशन बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। ये देखिए आप इस एनिमेशन को, मैं इसको दोबारा से रन करवाता हूँ और ये देखिए ऐसा एनिमेशन आपने शायद YouTube पर ना देखा हो, या अगर हो भी वीडियोस तो ऐसे वीडियोस कम ही पड़े हों। तो इस तरह का एनिमेशन कैसे बनाना है, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और आई होप कि एट लास्ट तक आप ये सीख पाएंगे कि ऐसा एनिमेशन हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं न्यू फाइल, और न्यू फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ आपको शुरुआत करनी है HTML से, ठीक है, और फिर हेड, फिर आपको लगाना है टाइटल। टाइटल में दे दीजिए टेक्स्ट एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन, ठीक है। इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए टाइटल को, और टाइटल को क्लोज करने के बाद एक एक इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी गलती अगर आप करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है नॉर्मल तरीके से रन होगा बिल्कुल, तो आपको नॉर्मल नहीं चाहिए। देखिए नॉर्मल तरीका क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी एक प्रोग्राम बना हुआ है हमारे पास और ये बिल्कुल नॉर्मली रन हो रहा है। देखिए, ऐसा अगर आप नहीं चाहते हैं और जैसा मैंने दिखाया था इसके पहले, अगर वैसा चाहते हैं तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर हमको बॉडी टैग लगाना है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ बॉडी, ठीक है, बीजी कलर, ठीक है, और बीजी कलर इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ ग्रीन। जो बना हुआ है प्रोग्राम बिल्कुल वही प्रोग्राम मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लगाएंगे फॉन्ट टैग, फॉन्ट कलर, COLOR रखिएगा कलर की स्पेलिंग, और इज इक्वल टू ग्रीन, तो पहले ही कर चुके हैं हम, यहाँ लगाइए वाइट, ठीक है, तभी तो अक्षर दिखेंगे जो इस पे बनेंगे। और साइज रख दीजिए 80, साइज इज इक्वल टू 80, ठीक है, और यहाँ पर इसको कर दीजिए क्लोज। और क्लोज करने के बाद यहाँ पर आगे आते हैं, तो यहाँ पे अब क्लोज करिए इसको, और देन आइए अब मार्क्यू टैग पे, तो MARQUEE, ठीक है, मार्की लगा दिया हमने, और डायरेक्शन दे देंगे इसको डायरेक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू राइट कर देंगे RIGHT, ठीक है, डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट कर दिया हमने, और राइट को रखेंगे डबल इंटेड कॉमा में, और राइट करने के बाद अब यहाँ पर वापस से कुछ लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, इतनी बात हमने लिख दी है इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस से मार्क्यू टैग ले लेंगे MARQUEE, यहाँ पे क्लोज नहीं किया हमने, वापस से ले लिया है, एक बार मार्क्यू टैग लेने के बाद वापस से मार्क्यू ले लिया है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमको यहाँ फॉन्ट को क्लोज करना है, FONT फॉन्ट, तो ये फॉन्ट को हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। अब आपको नीचे आना है, अब आपका काम आसान हो गया है, एक स्टेप और आपको काम करना है, उसके बाद ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लगाइए पैराग्राफ स्टाइल, पी स्टाइल, ठीक है, इज इक्वल टू कलर वाइट रखिए, COLOR कलर वाइट, WHITE, तो कलर वाइट रख चुके हैं हम ऑलरेडी, इसको क्लोज करिए, और यहाँ से एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए आप, और देन आपको लगाना है मार्की टैग MARQUEE, ठीक है, ये लगा दिया हमने। और अब यहाँ पे, यहाँ तक हमने लिखा है इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, बस इतना लिख दिया हमने। अब हमको क्या करना है, यहां से आके और मार्क्यू को क्लोज करना है, ठीक है। पहले हमने मार्क्यू को क्लोज नहीं किया था, लेकिन इस बार हम मार्क्यू को क्लोज भी करेंगे, ठीक है। तो यहां से मार्क्यू को हम करते हैं क्लोज, MARQUEE, ये कर दिया हमने क्लोज मार्क्यू को, और यहां पर हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को भी क्लोज कर देंगे। और पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद यहां पर अब हम नीचे आएंगे और बॉडी और HTML को भी क्लोज कर देंगे, बॉडी और HTML को भी हमने कर दिया क्लोज, ठीक है।
इतना क्लोज करने के बाद अगर आप इसमें कुछ बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बढ़ा के भी दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको पैराग्राफ स्टाइल और भी लगाना है या कुछ, तो यहाँ पे लिख दीजिए पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पे जो भी फॉन्ट साइज देना चाहें या कुछ भी देना चाहें तो फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज जो भी आप देना चाहें, जैसे मान लीजिए 80 आपको देना है फॉन्ट साइज, ठीक है, तो फॉन्ट साइज आपने लिखा फॉन्ट साइज, अब यहाँ पे कोलन लगाइए, 80 कर दिया आपने, ठीक है, और इसको कर दीजिए डबल इंटेड कॉमा में फॉन्ट साइज, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डबल इंटेड कॉमा में रहेगा ये, और इसको यहाँ से करिए क्लोज, ठीक है, और यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और यहाँ पे कर दिया क्लोज पैराग्राफ को। इसको क्लोज करने के बाद अब इसको करना है सेव, तो चलिए सेव करते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट आता है। डॉट एस टी एम एल लगाना मत न भूलिएगा एक्सटेंशन, क्योंकि इसकी फाइल की एक्सटेंशन डॉट एस टी एम एल होती है। इसको रन करवाते हैं अब, तो ये देखिए रन हो रहा है प्रोग्राम, और ये देखिए किस प्रकार से ये एनिमेशन रन हो रहा है, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, ये कैसा लिखा हुआ आ रहा है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये किस प्रकार से आ रहा है, और ऊपर देखिए ये प्रोग्राम ऐसे चल रहा है, ठीक है, और फिर ये साइड से ऐसे आ रहा है। आप इन सब का कलर भी बदल सकते हैं, ठीक है, जैसे ये कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है इसमें आप कलर बदल सकते हैं, ठीक है, अब जैसे इसमें कलर बदलना है तो क्या करेंगे, मार्क्यू, अब जैसे मार्क्यू पे बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बी ए सी के जी आर ओ यू एन डी, या फिर मार्क्यू बी जी कलर लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी जी कलर, मार्क्यू बी जी कलर इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लैक, बी एल ए सी के, ठीक है, अब इसको क्लोज कर देता हूँ, और अब इसका इफेक्ट हम देखते हैं कि कैसा इफेक्ट आ रहा है इस पर, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये देखिए इस तरह का कुछ इफेक्ट आपका आ रहा है, और ये एनिमेशन वाकई में कमाल का एनिमेशन है, आप देख सकते हैं, हालांकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितनी बार लगाया है, ये देखिए एक बार यहाँ दिया है, फिर दूसरी बार यहाँ दिया है, लेकिन ये दो ही बार आ रहा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, क्या ये लिखा हुआ आ रहा है, एक बार फिर मैं इसको रन करवाता हूँ, यहाँ पे दो ही पॉइंट आ रहे हैं लिखे हुए, ठीक है, इफ़ यू लाइक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यानी कि इफ़ यू लाइक यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, यहाँ पे इफ़ यू लाइक लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ इफ़ यू लाइक ये जो पोर्शन लिखा हुआ है इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि कैसे ये प्रोग्राम चल रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पर देखिए जो हमने लिखा है कोड में, प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, अगर इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ, देखिए मैं वापस से चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये प्रोग्राम चल रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जो भी है ये आ रहा है, इसको दोबारा से यहाँ से करिए, देखिए इस तरह से ये चल रहा है। अभी आप देखिएगा जब ये दोनों प्रोग्राम रन हो जाएंगे तब तीसरा प्रोग्राम यानी कि ऊपर वाला प्रोग्राम रन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब देखिए ये जो ऊपर हमने लिखा है इफ़ यू लाइक दिस वीडियो ये यहाँ पे चल रहा है आप देख सकते हैं, और ये किस प्रकार से दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आए तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।